आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉली मॉडलिंग। पॉली मीन्स बहुत इजी मॉडलिंग होती है, जैसे नब्स हमने की थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें हर चीज़ को करने में टाइम लग रहा था, पर पॉली में क्या है, हम सिर्फ खींचते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी चीज़ें बनती जाएंगी। मॉडलिंग के लिए आपको पॉली मॉडलिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। पॉली मॉडलिंग दो जगह यूज़ होती है, एक कमर्शियल एड्स, फिल्म्स एंड प्रोडक्ट्स। मींस कैरेक्टर्स में, एड्स में लाइक लिम्का, ये सारी चीज़ें, बॉटल्स। प्रोडक्ट में भी वही सेम, जैसे कार मॉडलिंग या बाइक स्कूटी, सब पॉली मॉडलिंग से होगा। दूसरा गेम्स में, गेम्स मॉडलिंग या गेम्स एनवायरनमेंट एंड प्रॉप्स बनाने में पॉलीगन मॉडलिंग यूज होगी, पर गेम्स में हम लो पॉली यूज करेंगे, मतलब कम से कम पॉली, और इसमें हाई पॉली। देखो हम जितने भी बार एक्सट्रूड करेंगे उतनी बार पॉली बनता है, तो हम कम से कम एक्सट्रूड करेंगे गेम्स के कैरेक्टर में, क्योंकि क्या होता है, फिल्म्स एड्स आपके सिस्टम में रेंडर होके वीडियो एडिटिंग के लिए चली जानी है, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग करके रिलीज कर देगा, पर गेम्स क्या होती है, गेम्स कभी रेंडर नहीं होती। गेम्स डायरेक्ट गेम इंजन में जो आप कैरेक्टर बनाओगे उसके अंदर बॉन्स लगाओगे और उसकी वॉक साइकिल, एनिमेशन, रन साइकिल बनाओगे, वो गेम इंजन के अंदर आ जाएगा पर रेंडर नहीं होगा। रेंडर मीन्स जैसे प्रीमियर में रेंडर होता है, फ्लैश में कंट्रोल रेंडर होता है, माया में भी रेंडर होता है, रेंडर नहीं होगी गेम्स कभी भी। गेम्स डायरेक्ट क्लाइंट के, क्लाइंट मीन्स हमारे सिस्टम में चलेगी, कीज प्रेस करने पर कैरेक्टर भागेंगे, वो रेंडर नहीं होता, वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग चल रही होती है कैरेक्टर्स पे। तो ज़रूरी नहीं कि जो क्लाइंट गेम खेल रहा है उसका सिस्टम हाई कन्फिग्रेशन हो, मतलब ग्राफिक कार्ड हो और 16/32 GB रैम हो। जो गेम खेल रहा है ना, हो सकता है उसकी 2 GB रैम हो सकता है ग्राफिक कार्ड ना हो, बेसिक प्रोसेसर हो, i3 हो, तो हमें उसके अकॉर्डिंग गेम्स बनानी पड़ती हैं कि कम से कम पॉली, कम से कम ग्राफिक्स के साथ, ताकि हर कोई खेल सके। समझ आ रहा है? हाँ। देखो पहले क्या होता था, पहले बिल्कुल लो पॉली यूज़ की जाती थी। पहले क्या होता था, 800 पॉलीगन्स में कैरेक्टर बनते थे, क्योंकि तब ग्राफिक कार्ड नहीं हुआ करते थे, और हर किसी के पास 512 MB, अब तो GB आती है ना रैम, 512 MB, 256 MB यूज़ होते थे, तो तब 800 पॉली चलते थे। पर अब क्या है, अब सबके पास 2 GB से कम रैम नहीं है, और ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में भी आ रहा है, और अलग से लैपटॉप के अंदर 2 GB 4 GB भी आ रहे हैं, तो इसलिए अब जो भी गेम्स मेकर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी अपने पॉलीगन्स भी बढ़ा लिए हैं। एक कैरेक्टर में 2000 पॉलीगन्स या 4000 ट्रायंगल्स होते हैं। पहले की गेम्स और अब की गेम्स में ज़मीन आसमान का क्वालिटी का बहुत फ़र्क आ गया, क्योंकि क्लाइंट्स ने, जो भी हम लोग हैं, अब थोड़े हम हाई कन्फिग्रेशन लैपटॉप्स एंड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। समझ आ रहा है, गेम्स क्यों यूज़ की जाती है, कम कम क्यों होती है, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, एक बेसिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो एक मिडिल क्लास का बंदा कंप्यूटर यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग गेम्स बनती है। तो इसलिए गेम्स में पॉली, मतलब सेक्शंस कैरेक्टर के, काउंट कर करके बनाई जाएगी। मूवीज़ में चलते हैं पॉली काउंट, मूवीज़ में चलते हैं पॉली काउंट, और गेम्स में चलते हैं ट्रायंगल काउंट, मतलब उसी पॉली का आधा। ट्रायंगल काउंट्स अब देखो, मान लो ये पॉली, हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में 1, 2, 3,
चार पाँच छः, छः पॉलीगन्स हैं, सेक्शंस को बोलते हैं पॉलीगन्स। अगर आपको मैनुअली काउंट नहीं करना, आप व्यूपोर्ट से चाहते हो कि व्यूपोर्ट में ऑटोमेटिक काउंटिंग आ जाए, तो गो टू डिस्प्ले, हेडअप डिस्प्ले, पॉलीकाउंट्स, ये हमेशा टर्न ऑन रखना अपने सिस्टम में, अपने माया में। डिस्प्ले, हेडअप डिस्प्ले, पॉलीकाउंट, देखो कितने फेसेस आ रहे हैं, फेसेस मतलब पॉली सिक्स, और ट्रायंगल्स कितने आ रहे हैं, बारह। ट्रायंगल्स मींस इस एक पॉली को, इस एक पॉली को बीच में से काट दो, वो ट्रायंगल कहलाता है। तो इस पॉली में कितने ट्रायंगल्स हैं, दो। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉली, इस एक सेक्शन को अगर इस बीच में से काटते हैं तो इसके दो सेक्शन बन गए, एक दो, ट्रायंगल है ना ये दो। तो इसमें अगर छः सेक्शंस हैं तो बारह ट्रायंगल्स हैं, छः पॉली हैं तो बारह ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स हमेशा पॉली के डबल होते हैं क्योंकि एक को दो में काटना पड़ता है। तो अब इसको बोलते हैं कॉर्नर को वर्टेक्स। डायग्राम बना लो अपने नोटबुक में, वर्टेक्स, और दो जो वर्टेक्स को ज्वाइन करे, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इनको जो ज्वाइन कर रहा है उसको बोलते हैं एज। और इस पूरे सेक्शन को, पूरा जो सेक्शन है इसको बोलते हैं पॉली, पॉलीगन या पॉली। और पूरे को बोलते हैं एलिमेंट। ये डायग्राम बना लो, पूरे को बोलते हैं एलिमेंट, और कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स, एजेस को, लाइंस को बोलते हैं कनेक्शन एजेस को एज, एंड पॉली को पॉली। एलिमेंट मतलब पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा बॉक्स। अब आगे आते हैं माया में। अब माया में मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, राइट क्लिक करके इसे बोलते हैं सब ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है। वर्टेक्स मींस कॉर्नर पॉइंट्स, अब वर्टेक्स को ऑप्शन पुल कर सकते हो। वर्टेक्स मींस कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स की शॉर्टकट है F9, F9 फॉर वर्टेक्स। देन एज, एज के लिए है F10, एज मोड की शॉर्टकट है F10, F9 फॉर वर्टेक्स, F10 फॉर एज, एंड F10, F11 फॉर फेस। फेस मतलब पॉली, देखो वर्टेक्स की है F9, एज की है F10, फेस की है F11, F11 फेस, ये पॉलीगन। वर्टेक्स, एज, फेस। ऑब्जेक्ट मोड मींस आप कंपोनेंट बोर्ड से बाहर आ रहे हो, फिर पूरा सेलेक्ट हो सकता है एलिमेंट। वर्टेक्स, एज, फेस, ऑब्जेक्ट। वर्टेक्स फेस सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है, ये काम नहीं आएगा ये वाला मोड, ओनली प्रीव्यू देखना है आपको, ये यूजलेस है।
हाँ कॉर्नर कहाँ कहाँ पे? राइट क्लिक में क्या प्रॉब्लम? ठीक है, यूवी टेक्सचरिंग में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, यूवी टेक्सचरिंग के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट है F12 फॉर यूवी। ज़्यादा स्मूथ होगा। आपने देखा होगा गेम्स में ना नॉज भी ना बहुत हार्ड हार्ड सी लगती है, पास जाओगे कैरेक्टर के तो उतनी डिटेलिंग नहीं होती क्योंकि वो हाई पॉली नहीं है, स्क्वायर आती है। अगर आप मूवीज़ के देखोगे तो एकदम नॉज नॉज लगेगी, वो हाई पॉली होती है, उतनी ज़्यादा स्मूथनेस हो जाती है। गेम्स में क्या होता है, ये मान लो ये बॉक्स है, इसी बॉक्स को नॉज में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिक शेप होती है और इस पर टेक्सचरिंग का कमाल किया हुआ है। गेम्स में ऐसी नॉइज़ होती है। कितने पॉलीगन में बन गई? 6 पॉलीगन में। अब मूवीज़ की नॉइज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ 6 आ रही है ना गेम्स की। कितने फेसेस में आ रही है? 1560 या 98, मिनिमम 98, जरूरी नहीं कि 98 ही हो, 50-60 पॉलीगन ले लेते हैं नॉस हाई पॉली के। और गेम्स के कितने ले लेते हैं? ओनली 6। तो जितना हाई पॉली करोगे उतनी स्मूथनेस और शेप अच्छी आएगी, गेम्स हमेशा लो पॉली होंगे। देन मैंने बताया वर्टेक्स एज, ऑब्जेक्ट मोड यूवी, फिर है मल्टी। मल्टी में क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट मोड में क्या है, खाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वर्टेक्स सेलेक्ट कर पा रहे हो वर्टेक्स मोड में, एज नहीं हो रहा। मल्टी मोड में क्या होगा, वर्टेक्स भी होगा, एज भी होगा और फेस भी कर सकते हो। तो इसका यूज अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो अब हम करते हैं आगे के टूल्स पॉलीगन में। पॉलीगन के टूल्स आएंगे मैश, एडिट मैश, मैश टूल। इन तीनों कमांड्स में, इन तीनों मेन्यू में आपके टूल्स होंगे। सबसे पहला टूल कर रहे हैं हम एक्सट्रूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली यूज करोगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कैसे काम करेगा, फेस मोड में जाना, मान लो मैंने फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कहाँ लेगा, एडिट मैश में एक्सट्रूड। ठीक है, सिंपल एक्सट्रूड शॉर्टकट मैंने बनाई है कंट्रोल ही, आप अपनी भी बना सकते हो। मैंने पहली क्लास में आपको हॉटकी बनाना सिखाया था शॉर्टकट, तो आप अपनी शॉर्टकट बना सकते हो। यहाँ पे मिल रहा है एक्सट्रूड, नहीं तो यहाँ पे भी मिल रहा है एक्सट्रूड। ये तो मैंने कहा था आप अपना अलग से शेल्फ बना के, मान लो आपने अलग सा बनाया है, इसमें एक्सट्रूड ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना, आपके अपने शेल्फ में आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक। तो मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड यूज करना है, जस्ट सेलेक्ट पॉलीगन, क्लिक ऑन एक्सट्रूड। आपके पास इसे बोलते हैं यूनिवर्सल मैनिपुलेटर, यूनिवर्सल मैनिपुलेटर आया है, आप इससे खींच सकते हो। एक्सट्रूड ने क्या कर दिया, आगे एक्सट्रूड कर दिया और एक एज पीछे छोड़ दिया, एक सेगमेंट पीछे छोड़ दिया।
दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ, अभी कितने सेगमेंट हैं यहाँ बीच में, ओनली एक, एक और बार एक्सट्रूड करके पुल कर लेते हैं, एक और सेगमेंट आ गया कैरेक्टर बनाने में, कैरेक्टर्स कार्स बनाने में। अब मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना, तो जैसे मूव हो रहा है ना, इस सर्कल पे क्लिक करोगे सर्कल पे तो रोटेशन के टूल्स आ जाएंगे, एरो पे क्लिक करोगे एरो के आ जाएंगे, स्केल पे क्लिक करोगे स्केल के आ जाएंगे। हाँ, पर अभी मैंने एक ही एक्सट्रूड किया, उसी एक एक्सट्रूड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मतलब मूव से मूव, रोटेट से रोटेट और स्केल से स्केल। एक और बार एक्सट्रूड करना है, एक और बार क्लिक, नहीं तो जी प्रेस करो, जी फॉर रिपीट कमांड, रोटेट कर दो एंड मूव कर दो, फिर एक्सट्रूड करो, मूव करो अंदर की साइड और रोटेट से रोटेट। देख लो एक नई शेप बनती हुई जा रही है लाइक फिंगर टाइप, फिर एक्सट्रूड रोटेट। तो एक्सट्रूड का फायदा ये है, आप कोई भी कस्टमाइज शेप बना सकते हो अपनी। अब एक्सट्रूड का एक और फायदा है, जैसे आपको मान लो इससे स्विमिंग पूल बनाना है, एक्सट्रूड किया स्केल कर दिया तो बाउंड्री आ गई, फिर एक्सट्रूड किया अंदर मूव कर दिया तो देखो विद बाउंड्री विद थिकनेस एक्सट्रूड हुआ है। समझ आया? और सर मैनुअली करना है तो? मैनुअली करना है प्रेस W, मूव टूल से आप मैनुअली कर सकते हो, WER वही सेम मैक्स। समझ आ रहा है? अगर आप एक ही पॉली को कर रहे हो, आप बहुत सारे पॉलीगन को भी कर सकते हो, मान लो मैं एक स्फीयर ले रहा हूँ, और फ्रंट व्यू में व्यू कैसे चेंज होंगे, स्पेस प्रेस क्लिक ऑन माया फ्रंट व्यू टॉप व्यू, यहाँ शॉर्टकट नहीं होंगे फ्रंट टॉप के, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मान लो फ्रंट व्यू में फेस मोड में मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ सारे फेस, पहले हम क्या कर रहे थे एक एक फेस एक्सट्रूड कर रहे थे ना, अब हम बहुत सारे इकट्ठे कर रहे हैं, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, हमेशा पुल ना ब्लू वाले एरो से करना, ब्लू वाले से, रेड वाले से करोगे तो देखो क्या होगा, ऐसे आ रहा ख़राब हो रहा है, ग्रीन वाले से ऐसे हो रहा है, ब्लू वाले से परफेक्ट होगा। अब एक्सट्रूड किया है तो उसके ना साथ में यहाँ पे सेटिंग भी खुल गई है, सेटिंग के अंदर आ रहा है की फेस टुगेदर ऑन, इसको ऑफ कर दो, क्लिक करके ऑफ हो जाता है, क्लिक करके ऑन हो जाता है, तो देखो क्या हो रहा है, सारे पॉलीगन अलग अलग भी एक्सट्रूड हो पा रहे हैं और इकट्ठे भी हो पा रहे हैं। मान लो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, फिर दोबारा एक्सट्रूड और खींचा और मूव कर दिया, फिर एक और बार एक्सट्रूड और खींचा और मूव कर दिया W से, फिर एक्सट्रूड, फिर मूव, जितना मर्जी आप एक्सट्रूड करो। तो देखो एक नई शेप बन गई। सिंपल एक्सट्रूड से किया है मैंने, बहुत सारे पॉलीगन इकट्ठे सेलेक्ट किए और एक्सट्रूड के अंदर एक कमांड होती है जिसे बोलते हैं की फेस टुगेदर, ये ऑफ कर दिया। समझ आ रहा है? अब इसी की फेस टुगेदर से ना एक चॉकलेट बनाते हैं। मैंने लिया बॉक्स, बॉक्स के अंदर यहां से ना, अब तक आप लोग विड्थ बढ़ा रहे थे, विड्थ
हाइट डेप्थ, इसके अंदर है सेगमेंट, सेगमेंट बढ़ाओ। चॉकलेट में क्या होता है, हाइट में एक ही होता है, ये एक ही होता है। देखो विड सेलेक्ट किया, कर्सर को व्यूपॉइंट में लाए, मिडिल माउस से, मिडिल माउस से ये स्लाइडर बढ़ता घटता है। तो सब डिवीजन को दो कर दिया, डेप्थ को मान लो जितने पीस दिखाने उतने पीस कर दिए, छः पीस दिखाने छः कर दिए। अब इन पॉलीगन्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, ऊपर ऊपर के एक्सट्रूड क्या हो रहा है, इकट्ठे एक्सट्रूड हो रहे हैं। हमें तो चाहिए अलग अलग, की फेस को ऑफ कर दिए क्लिक से, और इस स्क्वायर से क्या होता है स्केल छोटा कर दो। देखो चॉकलेट बन गई आपकी, छोटा करके हल्का सा मूव। फिर बता रहा हूँ क्या किया मैंने, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में छह एजेस ऐसे डाले, दो ऐसे डाले, और ऊपर ऊपर के फेस सेलेक्ट किए, एक्सट्रूड कर दिया, की फेस टुगेदर को ऑफ करना है क्योंकि अलग अलग चाहिए। देन इस क्यूब पे क्लिक करके बीच में से करोगे तो यूनिफॉर्मली छोटा हो रहा है, और फिर ब्लू वाले से हल्का सा मूव, बन गई चॉकलेट। समझ आया? मान लो फ्लोर बनानी है, फ्लोर में टाइल्स भी इसी टेक्निक से बनाओगे। देखो आपको अगर ऊपर ऊपर की फेस ऐसे सेलेक्ट करोगे बहुत टाइम लग रहा है, एक तरीका है बीच वाला सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के अंदर है ग्रो, इसकी शॉर्टकट भी है, ग्रो कर दो, मतलब देखो सिलेक्शन बढ़ रही है। बीच वाला सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबा दिया, कोई डाउट किसी को? हाँ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट से नहीं चलना ग्रो पे मैनुअल क्लिक करना पड़ेगा बार बार। आइकन बना सकते हो, कंट्रोल मान लो कस्टम वाले में कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक, तो यहाँ पे आइकन बन गया ग्रो का। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, की फेस टुगेदर ऑफ, और स्केल से छोटा, तो आपकी टाइल्स बन गई, फ्लोर की टाइल्स। मान लो बॉल है कोई, बॉल में भी सेम ही कर सकते हो, फेस मोड में गए, एक्सट्रूड की फेस टुगेदर ऑफ, स्केल से छोटा, बॉक्स से और एरो से खींच के बॉक्सेस निकाल लिए, तो बॉल के अंदर भी हो सकता है। अब मान लो आपने स्फीयर लिया, आप ऊपर के पॉलीगन डिलीट मार सकते हो, ऊपर के कटोरी बनाने के लिए मान लो, तो अब क्या है इसमें थिकनेस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है, सिंगल है ये पेपर की तरह, तो आप क्या कर सकते हो सारे फेसेस को एक्सट्रूड कर दो और ब्लू वाले एरो से हल्का सा खींच दो, तो देख लो इसके अंदर थिकनेस आ गई, इसे बोलते हैं शेल। अगर किसी चीज़ में थिकनेस नहीं है तो आप एक्सट्रूड कर दो, थिकनेस आ जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, सारे फेस पकड़े, एक्सट्रूड पे हिट किया, ब्लू वाले से जितनी थिकनेस देनी है उतनी थिकनेस खींच दो, फिर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, कटोरी टाइप बन गई थिकनेस वाली।
उसके बाद मान लो आपको कोई टेल बनानी है किसी एनिमल की, तो यहाँ पे कर्व आ रहा है, स्प्लाइन का काम करेगा कर्व। आप यहाँ से कर्व ड्रॉ करो, ठीक है, कर्व ड्रॉ कर दिया। फेस सेलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ कर्व सेलेक्ट करना, क्लिक ऑन एक्सट्रूड। देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग कर्व से लेके एंड कर्व तक एक्सट्रूड हुआ पर मेंटेन नहीं हुई शेप। तो यहाँ पे है डिवीजन, डिवीजन बढ़ा दो तो शेप भी मेंटेन होगी। और स्केल कमांड से, स्केल से आप छोटा भी कर सकते हो। देखो पीछे जाते जाते छोटा हो रहा है। स्केल कौन सा है? ये क्यूब, जो क्यूब है ना, ये क्यूब स्केल है। दोबारा बता रहा हूँ, क्यूब पे क्लिक किया और छोटा, और रोटेट से रोटेट भी करा सकते हो ट्विस्टिंग के लिए। जितनी मर्जी ट्विस्टिंग करो। अब ये ट्विस्टिंग हार्ड है ना, 3 प्रेस कर दो स्मूथ हो जाएगी। 1 से हार्ड, 3 से स्मूथ। और सॉफ्टवेयर में लाइक मैक्स में टर्बो स्मूथ डालना पड़ता था, यहाँ पे क्या, दैट 3 प्रेस करो स्मूथ हो जाएगा, 1 प्रेस करो हार्ड हो जाएगा। कुछ कह रहे थे संदीप अभिषेक? हाँ देखो, व्यूपॉइंट में पॉलीगन नहीं पड़ेंगे, रेंडर में पड़ जाएंगे। 1 में जैसे जल्दी रेंडर होगा ना, 3 में रेंडर में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि पॉलीगन बढ़ गए, फेसेस बढ़ गए। ये देखो यहाँ पता चल रहा है 1 में 106 है, 3 में 1696 है, और 2 में बहुत है। अगर आप चाहते हो कि मुझे हार्ड प्रीव्यू भी आए स्मूथ प्रीव्यू भी आए तो 2 प्रेस कर देना। देखो 1 2 3, 1 2 3, समझ आ रहा है? टू से क्या, हार्ड प्लस स्मूथ, लो प्लस हाई, बहुत। ये वायरफ्रेम दिख रहा है, लो का दिख रहा है, पर एक्चुअल में स्मूथ हमें दिख रहा है, दोनों प्रीव्यू दिख रहे हैं। तो आज क्या करो, पॉली मॉडलिंग के इंटरफेस को समझो एक्सट्रूड कमांड से। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ना कुछ मॉडलिंग शुरू करेंगे।